हेलो गेमर्स, तो कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एलसेफ हाउस के टॉप 5 स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसको यूज़ करके आप अपने गेम प्ले को इन्हेंस कर सकते हो और एलसेफ के एनिमी को इजीली किल कर सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी नंबर फर्स्ट से। तो हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी को आप कार्टलिस्ट में यूज़ कर सकते हो। इसको आप क्लैश कोड या फिर नॉर्मल रैंक या क्लासिक गेम में भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एक ग्लोबल को कुछ इस तरीके से लगाना है और फिर बॉक्सेस पे जम करके आप ग्लोबल पे इजीली चढ़ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आप एनिमी को इजीली किल कर सकते हो। ये ट्रिक बेसिकली क्लैश स्क्वाड में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। यहाँ पे बहुत बार एनिमी बैठे हुए रहते हैं, तो आप यहाँ से पूरी स्क्वाड वाइप आउट कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, आप इसको जरूर से यूज करिएगा। तो हमारी सेकंड नंबर स्ट्रेटजी होने वाली है बुल साइप में। तो बुल साइप में इस वाले एलसे पे कैंप कर रहे एनिमी को आप इजीली किल कर सकते हो। उसके लिए आपको पीछे की तरफ इस जाना है और यहाँ पे आके स्ट्रक पे चढ़ के आप यहाँ से स्कोप इन करके एनिमी को किल कर सकते हो। एनिमी अगर यहाँ से स्पॉट नहीं हो रहा तो आप पूरा ऊपर भी आ सकते हो। यहाँ से आपको एनिमी स्पॉट हो जाएगा और यहाँ से एनिमी को इजीली सरप्राइज अटैक देके किल कर सकते हो। एनिमी को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने उसे किधर से मार दिया। तो अभी बात करते हैं स्ट्रेटजी नंबर थर्ड की। स्ट्रेटजी नंबर थर्ड को आप बीमा शक्ति के इस वाले एलसे पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एनिमी यहाँ पे दिखता है तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्लोबल लगा सकते हो और यहाँ से ग्लोबल पे जम करके इजीली एलसे पे जा सकते हो। तो एनिमी बिल्कुल भी पता नहीं कर पाएगा आप किधर से एलसे पे आ गए और यहाँ से आप एनिमी को सरप्राइज अटैक देके इजीली किल कर सकते हो। एनिमी बिल्कुल ही कन्फ्यूज हो जाएगा कि आपने उसको कैसे किल कर दिया। तो बहुत ही ओपी स्ट्रेटजी ये, आप इसको ज़रूर से यूज़ कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं स्ट्रेटजी नंबर फोर की। तो स्ट्रेटजी नंबर फोर्थ होने वाली है ग्रेवयार्ड के पास वाले एलसेप के पास। तो यहाँ पे कैंप कर रहे एनिमी को भी आप इजीली किल कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कर सकते हो। तो आपको पीछे आके यहाँ पे जो लॉन्च पैड दिख रहा है, आप यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ पे आने के बाद आपको डबल डोर के छत पे इस तरीके से एम करना है और यहाँ से आपको लॉन्च कर देना लॉन्च पैड को। और यहाँ पे आने के बाद एनिमी को आप यहाँ से स्पॉट करके इजीली किल कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी एनिमी अगर कैंप कर रहा होगा तो एनिमी को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप किधर से आके उसको मार दिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो वहाँ पर मेरा टीममेट बैठा हुआ है, मैं उसको इजीली स्पॉट करके किल कर सकता हूँ। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी नंबर फिफ्थ में मैं आपको बेसिकली लैंडमाइन के 3 ट्रिप्स बताने वाला हूँ। तो लैंडमाइन टिप नंबर 1 को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे एक ग्लोअल लगा देना है जैसा कि मैं लगा रहा हूँ। आप इसको किसी भी एलसे पे यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से ग्लोअल लगाने के बाद आपको ऊपर चले जाना है। तो ऊपर जाने के बाद आपको ग्लोअल पे जंप करके चढ़ जाना है और यहाँ पे आप लैंडमाइन को लगा सकते हो। और जैसा कि आप देख सकते हो मैंने लैंडमाइन को लगा दिया और यहाँ से आपको नीचे आके ग्लोअल को तोड़ देना है। मैंने ग्लोअल को जैसे ही तोड़ा तो आप देख सकते हो कि लैंडमाइन बिल्कुल हवा में आ चुकी है। तो मैं आपको नीचे से जाके दिखाता हूँ कि एनिमी नीचे से बिल्कुल भी यहाँ से डिफ्यूज़ नहीं कर पाएगा लैंडमाइन को। और एनिमी जैसे ही ऊपर जाएगा वो इजीली यहाँ से डैमेज करके किल हो जाएगा। अगर आपके पास 2 लैंडमाइन है तो 2 लैंडमाइन यूज़ कर सकते हो, उससे एनिमी को ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। तो लैंडमाइन टिप्स नंबर 2 की बात करते हैं। इसके लिए भी आपको एक ग्लोअल की ज़रूरत पड़ेगी और ग्लोअल को कुछ इस तरीके से लगाने के बाद आप ग्लोअल पे जम करके इजीली आ सकते हो। और यहाँ आने के बाद आपको लैंडमाइन को लगा देना है, उसके बाद आपको ग्लोअल को तोड़ देना है। तो आप देखोगे कि आपका लैंडमाइन हवा में रह चुका है। और यहाँ से एनिमी अगर नीचे से आता है तो एनिमी बिल्कुल भी डिफ्यूज़ भी नहीं कर पाएगा लैंडमाइन को। और यहाँ से एनिमी जैसे ही रश करेगा तो एनिमी इजीली डैमेज हो जाएगा और आप इसको किल कर सकते हो। लैंडमाइन ट्रिक नंबर 6 को यूज़ करने के लिए आपको कुछ यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा लूट ड्रॉप कर देना है ताकि एनिमी लूट को लेने आए और इजीली किल हो जाए। और इसके बाद आपको यहाँ ऊपर चढ़ने के बाद लैंडमाइन को लगा देना है और आप देखेंगे कि आपका लैंडमाइन बिल्कुल ही हाइड हो चुका है। यहाँ से एनिमी या फिर आप लैंडमाइन को बिल्कुल भी नहीं देख सकते, जैसा कि आप देख ही सकते हो मैंने स्कोप इन करके दिखाया है, लैंडमाइन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। और एनिमी जैसे ही लूट को लेने जाएगा तो वो इजीली लैंडमाइन से किल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैं जैसे ही गया मुझे यहाँ अच्छा खासा डैमेज पड़ गया। अगर आप 2 लैंडमाइन लगाते हो तो एनिमी डायरेक्ट वहीं पे किल हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये सारी स्ट्रेटजी? आई होप कि आपको सारी स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी और आप इसको गेम में ट्राई करोगे। तो मैंने पहले से ही डबल डोर हाउस और सीमेंटेड हाउस की स्ट्रेटजी बना के रखी है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके देख सकते हो और मैं एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा तो आप उसको वहाँ से भी देख सकते हो। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय।